तो WWE के एलिमिनेशन चैम्बर प्रीमियम लाइव इवेंट में अब कुछ ही दिन बाकी हैं और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एलिमिनेशन चैम्बर के ऑफिशियल मैच कार्ड के बारे में। और आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट मैंने रखा है 25 और उम्मीद है आप पूरा कर दोगे। बहरहाल वापस आते हैं मैच कार्ड की तरफ और सबसे पहले जो मैच हमें देखने को मिलेगा वो होने वाला है एक मिक्स कैट टीम मैच, जहां पर द हॉल ऑफ फेमर एज और बेथ फिनिक्स जो हैं वो फेस करेंगे फिन बैलर और रिया रिप्ली की टीम को। ये वीडियो कोई प्रोडिक्शन वीडियो नहीं होने वाली है, सिर्फ मैच कार्ड की वीडियो है, इस वजह से मैं सिर्फ इसमें मैचेस के बारे में बताऊंगा। प्रोडिक्शन वीडियो जो है इससे अगली होगी और उसके अंदर मैं सारी विनर प्रोडिक्शन भी आप लोगों को दूंगा। बहरहाल इसके बाद जो हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलेगा वो होने वाला है वुमेंस एलिमिनेशन चैम्बर मैच, और इस मैच के अंदर लिव मॉर्गन, निकी क्रॉस, आस्का, निकालिया, कार्मेला, एंग्री कूल जो है इस मैच के अंदर शामिल होंगी और जो विनर होगा वो जाके आगे फेस करेगा रेसलमेनिया 39 के अंदर रॉ वुमेंस चैंपियन बियंका ब्लेयर को। दोस्तों इसके बाद जो अगला मैच हमें देखने को मिलेगा ये होने वाला है एक सिंगल्स मैच, और इस मैच के अंदर दी ऑल माइटी बॉबी लैशली जो है वो फेस करेंगे ब्रॉक लेसनर को, क्योंकि ये मैच अभी इसी वीक के मंडे नाइट रॉ पर ऑफिशियली कंफर्म हुआ है। तो हो सकता है जैसे ही एलिमिनेशन चैम्बर वाला दिन हो या उससे एक दो दिन पहले इस मैच के अंदर कोई स्कैपुलेशन जो है WWE ऐड कर सकती है इस मैच को और ज़्यादा हाइप करने के लिए। इसके बाद जो अगला मैच हमें देखने को मिलेगा वो होने वाला है एलिमिनेशन चैम्बर मैच फॉर WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियनशिप, और इस मैच के अंदर जो चैम्पियन है ऑस्टिन थ्योरी वो अपनी चैम्पियनशिप को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट सेथ रॉलिंस, जॉनी गार्गानो, मोंगजाई फोर्ड और डेमियन प्रीस्ट के अगेंस्ट। दोस्तों इसके बाद जो एक और मैच था जो कि अभी तक कंफर्म तो नहीं हुआ लेकिन इस मैच के रूमर काफी ज्यादा थे कि हमें एलिमिनेशन चैम्बर प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर एक सिक्स वुमेन्स टैग टीम मैच भी देखने को मिलेगा, जहां पे डैमेज कंट्रोल जो है वो फेस करेगी बेकी लिंच, लीटा और हॉल ऑफ फेमर क्रिस क्रैकर्स की टीम को। तो दोस्तों अभी तक ये मैच ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ, अगर कंफर्म होना होता तो शायद रॉ के ऊपर कंफर्म हो जाता इस वीक के, लेकिन इस मैच के रूमर्स काफी ज्यादा थे और हो सकता है कि जब तक मैं ये वीडियो बना के अपलोड करूंगा या फिर एलिमिनेशन चैम्बर मैच से कुछ दिन पहले ही ये मैच जो है ऑफिशियली कंफर्म हो जाए। इसके चांसेस इस वजह से भी ज़्यादा है क्योंकि ये जो एलिमिनेशन चैम्बर प्रीमियम लाइव इवेंट हो रहा है ये कनाडा के अंदर होगा, मॉन्ट्रियल के अंदर होगा, और कनाडा जो है वो होम टाउन भी है क्रिस क्रैकर्स का, और इस वजह से इसके काफ़ी ज़्यादा रूमर्स थे कि क्रिस क्रैकर्स जो है वो अपना रिटर्न करेंगी और बेकी लिंच और लीटा को ज्वाइन करके डैमेज कंट्रोल को फेस करेंगी। इसके बाद जो मेन इवेंट हमें देखने को मिलेगा वो होने वाला है WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, जहां पर द हेड ऑफ द केबल रोमन रेंज जो है वो अपनी चैंपियनशिप्स को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट सैमी ज़ेन। बहरहाल दोस्तों ये सिर्फ वही मैचेस हैं जो कि अभी तक WWE ने ऑफिशियली कंफर्म किए हैं और एलिमिनेशन चैम्बर में अब सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हैं, तो अगर इसके अंदर कोई और मैच भी ऐड होगा तो वो मैं अपनी विनर प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर उस मैच के हवाले से आपको बता दूंगा। बहरहाल मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।